अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अशमान। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी दूध। बहुत ही ज़बरदस्त ये दूध है जो बनके तैयार होगा हमारा थोड़ी ही देर में। इसको कोई घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जी। ये मैंने 2 लीटर दूध ले लिया ये रबड़ी दूध बनाने के लिए। अब इसको बॉईल करते हैं, इसको पकाते रहना है, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये दूध हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें अब मैं ये क्रश किया हुआ कोकोनट ऐड कर देती हूँ ताकि ये भी साथ ही गल जाएगा, पक जाएगा। इसमें ये नट्स हैं, पिस्ता, बादाम, काजू। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, अब इसको भी साथ साथ ही पका लेंगे। इसको 15 से 20 मिनट हो गए पकते हुए, काफ़ी नीचे जा चुका है। ये देखिए ये साइड्स पे लगना शुरू हो गया, इसकी मलाई आना शुरू हो गई है, काफ़ी गाढ़ा हो गया ये। अब इसको इस स्टेज पे इसमें चीनी ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है आपने। अब इसको मज़ीद 10 मिनट हम पकाते हैं और जी। ये 10 मिनट हो चुके हैं इसको और पकते हुए, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये देखें। अभी इसको नीचे उतारते हैं, ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसको सही से ठंडा करके फिर सर्व करते हैं। ये देखिए जी, इसको 1 घंटा मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है हमारा रबड़ी दूध। अब इसमें मैंने ये तोमलंगा भी भिगो के रखा हुआ था, ये ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो मत करें आप। अब इसमें हम थोड़े से आइस क्यूब इसको सर्व करने के लिए ऐड करते हैं। जग में मैं आइस डाल लेती हूँ, ज्यादा ठंडा हो तो ही मजा आता है इसका। अब ये दूध की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं कितना गाढ़ा है। जी ये हमारा जबरदस्त सा रबड़ी दूध बनके तैयार हो चुका है। ये ठंड गर्मियों के लिए बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है। ये ठंड डालता है, उनको ठंडा करता है, इसे जरूर ट्राई करें। इसके साथ ही हमारी रेसिपी एंड होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।